देखो मैं कल जा रही हूँ ट्रिप पे, और ट्रिप के लिए मेरी बहन अनुष्पा मेरे लिए बहुत प्यारी बहन कुकीज़ बेक कर रही है ताकि मैं घर की चीज़ें ले जा सकूँ। बहुत प्यारे से कुकीज़ अब तैयार हो गए हैं और अब हम इसको कूलिंग रैक पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं और थोड़े से हार्ड हो जाएं। कुकीज़ हैं वो चॉकलेट और वनीला फ्लेवर के हैं मेरे लिए, और ये अनुष्पा अपने लिए बना रही है ज़ीरा फ्लेवर के नमकीन बिस्किट्स। मेरे बहुत ज़्यादा डिलीशियस से बिस्किट्स, जिसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी। शेप का जो मैंने बनाया था बटेस थोड़ा सा ख़राब हो गया, बट अच्छा लग रहा है तो मैंने इसे अपने नाम से कस्टमाइज़ भी किया है। तो अब मैं यहाँ पर चिप्स रख रही हूँ कुछ, ताकि मैं रास्ते में खा सकूँ, अपना वॉलेट और ये वही कुकीज़ जो अनुष्पा ने मेरे लिए बेक की, और एक एक्स्ट्रा ग्लास, और मैंने बॉटल और जूस जो है वो फ्रिज में रख दिया है भर के, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम यहाँ पर मैंने कॉम रखी है, च्युइंगम रखी है, लिपस्टिक रखी है और कैचर वगैरह रखे हैं। यहाँ पे मैंने मस्कारा और लाइनर और एक पफ सैनिटाइज़र, एक लिपस्टिक, सनब्लॉक और टिश्यूज़ रखे हैं। बस मैं ये पहनने वाली हूँ। शूज़ पहनना चाह रही थी बट स्लीपर्स ज़्यादा आउटफिट के साथ जा रही हैं, इसलिए मैं ये पहन रही हूँ। और ये मेरा आउटफिट है, ये वही लाइमलाइट की कुर्ती है जो मैं लेकर आई थी परसों। मैं 9:30 और मैं उठ चुकी हूँ और नाश्ता भी कर चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ जाते ही तो कुछ नहीं खाएंगे और सफ़र के लिए अच्छे से बंदा खा पी के जाए। वैसे मैं नाश्ता नहीं करती बट आज मैं करके जा रही हूँ। वो जूस है जो मैंने इस वाटर बॉटल में बना के और ठंडा करने के लिए रखा था, और मैंने 2 साशे भी लिए हैं जूस के, ताकि वहाँ पर जैसे मेरे साथ मेरे क्लासमेट्स हैं, अगर उनमें से कोई पीना चाहे तो मैं वाटर बॉटल भर के जा रही हूँ बड़ी वाली, उसमें वो साशे डाल के और मिक्स करके जूस काफ़ी ज़्यादा बन सकता है, तो मैं शेयर भी कर सकती हूँ। ये रात को मैंने रोल मंगवाया था कपकेक से, मम्मा ने मेरे लिए अभी सुबह सुबह बेक किए हैं, और ये अनुष्पा अपना रोल खा रही है, और ये मैं अपना रोल अब गर्म करूँगी और फिर बैग में रखूँगी। अब इस रोल को जाके रखेंगे बैग में। इसमें पहले से बहुत काफ़ी चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ रखूँगी फिलहाल। ग्लास को इस तरफ कर देते हैं और रोल को नीचे की तरफ रखते हैं। बिस्किट्स भी पड़े हैं हमारे, और अभी मैं कपकेक्स भी रखूँगी, बॉटल भी रखूँगी, चेंज करूँगी और चेंज करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अब मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल जाने के लिए, चीज़ें अपने बैग में रख रही हूँ लास्ट मिनट बिल्कुल। और ये वही कपकेक्स हैं जो मम्मा ने मेरे लिए सुबह को बेक किए हैं अभी इतने प्यार से, ताकि मैं घर की चीज़ें ले जा सकूं। और अब इसे बैग में रख के एक कैब भी रखी है मैंने, और निकलते हैं अब यूनिवर्सिटी के लिए। 11 का टाइम दिया था, मैं और राइला पूरे 11 बजे यूनिवर्सिटी पहुँच गए, वहाँ कोई भी नहीं आया और सब 1 बजे तक पहुँचे, तो अब हम निकल रहे हैं। तो अब सब सेटल हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपनी अपनी सीट्स कंफर्म कर रहे हैं। सोचा मैं कुकी खा लेती हूँ, तो मैंने वो एक खा लिया। जामशोरो का टूल प्लाजा है, अभी हम सिर्फ जामशोरो ही पहुँचे हैं। करीब 1 घंटा और सफ़र करने के बाद यहाँ पर एक और टूल प्लाजा आ गया, और अब मुझे लग रहा है कि हम कराची में इंटर कर गए हैं। बहरिया टाउन का गेट आ गया है, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम बहरिया में एंटर कर जाएंगे। तो सब यहाँ पर अपने बैग्स वगैरह उठा रहे थे कि अब बस उतरना है फाइनली, और मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कंटिन्यूसली बस में इतने ज़्यादा गाने बज रहे थे, मेरा सर बिल्कुल बर्स्ट होने वाला था। उसके बाद मैंने उतरने से पहले ही मेडिसिन ले ली, ताकि मैं वहाँ पर सारा दिन इंजॉय कर सकूँ। तो फाइनली आहिस्ता आहिस्ता करके हम बहरिया टाउन के बिल्कुल गेट पर आ गए हैं, और अब हम अंदर जा रहे हैं। थोड़ा बहुत चेकिंग वेकिंग हो रहा था थोड़ा सा, तो उसके बाद हम लोग अब फाइनली अंदर जा रहे हैं।
सो मैं फर्स्ट टाइम अंदर से बहरिया देख रही हूँ, बट बाहर से मैंने बहुत बार देखा है आते जाते हुए कराची, जब भी हम आते जाते हैं। और हमने काफ़ी बार प्लान्स भी बनाए हैं जाने के, बट हम जा नहीं पाए। और मुझे एडवेंचर लैंड को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे कि वहाँ पर एंट्री फ़ी का क्या चक्कर है, और 3,000 भरने के बाद राइड्स फ्री हैं या राइड्स के भी अलग से टिकट्स हैं। तो वो सारे मिसकंसेप्शंस यहाँ जाके क्लियर हो गए हैं, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं आपको बताऊँगी। जगह पर मैं और आयला अंदर जा रहे हैं अब, और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मुड़ के एक रूम है जहाँ पर एयरपोर्ट की तरह बैग्स की चेकिंग होती है। पर चेकिंग से मेरा मतलब है कि जैसे एयरपोर्ट्स पर बैग्स एक मशीन से गुजारे जाते हैं, उसी तरीके से पहले अच्छे से चेकिंग हुई, उसके बाद हम अंदर आए। यहाँ पर हमने इनको ये अपना पास या टिकट जो भी आप बोल दें वो दिया, और उसके बाद उन्होंने उसको हाफ़ फाड़ के हमें वापस दे दिया कि ये आप अपने पास ही रखें। यहाँ पर हम जैसे ही इंटर किए, यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर पिज़्ज़ा हट था, और राइट साइड पर जो था वो कोई मिल्क शेक और कॉकटेल्स कॉफ़ी वगैरह की एक प्यारा सा मिनी सा कैफ़े बना हुआ था जो बहुत क्यूट लग रहा था। बहुत ही प्यारी जगह है, और फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा लग रहा था जैसे कि डिज्नीलैंड में आ गए हैं। मैं, रायना और नेहा, हम तीनों जगह को ऑब्ज़र्व ही कर रहे हैं और कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हम सिर्फ अपने क्लासमेट्स को पहले तो फॉलो कर रहे थे, उनके पीछे पीछे जा रहे थे। हमें लगा वो कहीं कोई केएफसी वगैरह या कहीं पर जा रहे होंगे, ताकि हम वहाँ पर अपने बाल वाल थोड़े से टच अप कर लें और बाल वाल समेट लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा थी और बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर था। बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, मैं कैप और सन ग्लासेस लेकर गई थी, बट पहनने की बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जा रहे हैं ट्रिप पर तो फाउंडेशन बिल्कुल अप्लाई मत करें, और बीबी क्रीम, सनब्लॉक या सनब्लॉक भी बहुत सही है। और क्योंकि आप सारा दिन जो है वो घूमने वाले हैं, और ट्रैवलिंग में फाउंडेशन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मसला करता है, ख़राब हो जाता है, पैची हो जाता है, तो वो फेस भी प्रेजेंटेबल नहीं लगता। मैंने इतना ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ सनब्लॉक, हल्का सा टिंट अप्लाई किया था चीक्स एंड लिप्स पे, हल्का सा मस्कारा, एंड दैट्स इट, ख़त्म। और मुझे सारा दिन टचअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं वाइप्स लेकर गई थी, मैंने उससे अपना फेस वाइप कर लिया, और फिर मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली, और मेरा फेस बहुत ठीक लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, बिल्कुल भी धूप नहीं थी जिसकी वजह से कि हमारा फेस ख़राब हो जाए। हाँ, बट हवा की वजह से और ट्रैवल करने की वजह से बाल बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, और आपको तो पता ही होगा, सबको, सबने हाईवे पे कभी ना कभी ट्रैवल किया है, तो हाईवे पे आने के बाद जब बाल खुले होते हैं स्पेशली, तो बालों का क्या हाल हो जाता है। बाल बांधने के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं बचता। तो अब हम अपनी क्लासमेट्स को फॉलो करते करते यहाँ पर आ गए हैं बोर्ड्स वाली जगह पर, और सबसे पहली राइड ही हमने ये ली। और यहाँ पर हमें पहले, हम देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि क्या ये ऑटोमेटिकली मूव कर रही हैं, बट नहीं, अंदर एक जो जहाँ पर एक विंडो है, ये ग्लास विंडो, उस रूम के अंदर कोई बैठे हुए थे जो इनको ऑपरेट कर रहे थे, बट बोर्ड्स जो हैं वो पानी में राउंड दो चक्कर लगाकर और ऐसे रुक रही थी कि अब जो लोग उसमें राइड ले चुके हैं वो उतर जाएं और दूसरे लोग आकर बैठ जाएं। तो वहाँ पर आई थिंक 6-7 बोट्स थी, और फिर हमने सोचा कि चलो हम भी जाकर बैठ रहे हैं। तो ये राहिला और नेहा सबसे आगे आगे जा रही हैं और मैं पीछे पीछे, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी करना था, तो इस वजह से मैं इनके पीछे पीछे चल रही हूँ। और अब हम जा रहे हैं बोट पर बैठने के लिए,
तो वो भी बैठ चुके थे, कुछ बैठ चुके थे कुछ बैठ रहे थे, और हम तीन तीन करके बैठ रहे थे। हम ज़्यादा बोर्ड पे जो है वो वज़न नहीं डाल रहे थे। बेसिकली मैं सिंधी हूँ, आपको मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में पहले भी पता चल चुका होगा, बट मैं ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए उर्दू में इसलिए बात करती हूँ क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको सिंधी समझ में नहीं आती होगी ज़्यादातर को। तो ये कोई वो नहीं है, मैं सिंधी में भी व्लॉग बना सकती हूँ, उर्दू में भी व्लॉग बना सकती हूँ, मुझे दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, बट मैं इसीलिए उर्दू में बनाती हूँ ताकि जो हमारे उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनको भी समझ में आए। उर्दू तो सिंधी लोगों को आती है, बट सिंधी थोड़ी सी मुश्किल लैंग्वेज है तो वो उर्दू स्पीकिंग लोगों को थोड़ा कम समझ में आती है। मेरे अपने कज़न्स हैं जो कराची में रहते हैं, अब ये बहुत बड़ी डिबेट है, इस पर मैं किसी और व्लॉग में बात कर लूँगी, अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर घूमते हैं। तो बोर्ड से उतरने के बाद हम तीनों गीले हो गए थे और सभी गीले हो गए थे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सब पानी फेंक रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं केएफसी साइड ताकि हम वहाँ पर कुछ खा पी सकें। रायला और नेहा यही बात कर रहे हैं, हम तीनों बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने पैसे बिल्कुल ठीक हमसे चार्ज किए, यूनिवर्सिटी वालों की तरफ से हम आए, मतलब उनके साथ आए हैं, उन्होंने ट्रिप ऑर्गेनाइज़ की है तो उन्होंने पैसे बहुत ठीक लिए हैं। 3000 तो एंट्री फ़ी है। हम राइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाली राइड हमें थोड़ी सी ख़तरनाक सी लग रही है, केएफसी के बाहर एक राइड थी, तो अब हम जा रहे हैं अंदर। फाइनली मुझे भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा। वैसे जो है वो वॉशरूम जो होता है वो केएफसी के अंदर ही होता है, बट इन्होंने आउटडोर बनाया हुआ था कि आपको केएफसी के बाहर से वॉशरूम जाना पड़ेगा। हम तीनों के बाल खुले हुए थे बट यहाँ पर आके हमने बालों को कोम किया अच्छे से और बांध लिया ताकि हमारे बाल जो हैं वो उड़े ना। हम राइड्स पे बैठेंगे तो हम फुल एंजॉय कर सकें ना कि अपने बालों की वजह से। और मैंने यहाँ पर वाइप ली, वेट वाइप्स में लेकर गई थी, उसमें मैंने फेस अपना बिल्कुल साफ़ करके दोबारा से सन ब्लॉक लगा कर और लिपस्टिक लगा ली, मैं बिल्कुल रेडी हो गई। हमारा ऑर्डर भी रेडी था तो हमने आकर यहाँ पे जल्दी जल्दी से खा लिया। बाद अब हम बिल्कुल ठीक से खा पी के बिल्कुल एनर्जेटिक होकर निकल गए हैं कि अब हमें कौन सी राइड पर बैठना है। रोलर कोस्टर एठा का निकली नहीं लगी, खराब थी नहीं लगी। फाइनल डेस्टिनेशन कौन सी थी? ये दोनों मुझसे ज़िद कर रही हैं रोलर कोस्टर में बैठने की, मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठना। और यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट पार्ट ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, आपको पार्ट टू में मिलती हूँ।